पीएम मोदी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया, कहा दुनिया के लिए कोऑपरेटिव एक मॉडल, भारत के लिए जीवन शैली। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा भारत में सहकारिता आंदोलन का पुनर्गठन हो रहा है, सरकार इसे देश के हर गांव तक पहुंचाने का काम कर रही है। बकफिल के खिलाफ 30 नवंबर को सड़कों पर उतरेगी टीएमसी, 2 लाख से ज्यादा लोग जुटेंगे। चुनाव से पहले केजरीवाल का बड़ा दाव, दिल्ली सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन राशि बढ़ाई, 70 साल से ऊपर वालों को मिलेंगे 2500 रुपए महीना। आदित्य ठाकरे को मिली बड़ी जिम्मेदारी, बनाएगा शिवसेना यूबीटी के विधि मंडल के नेता। शिवसेना यूबीटी के चीफ विप बने सुनील प्रभु, हासदार यादव को बनाया गया विधायक दल का नेता। शिवसेना यूबीटी नेता आनंद दुबे का बयान, हमें पूरा भरोसा आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में वापसी करेंगे। शिवसेना ने सीएम पद पर दावा ठोका, संजय सिरसाट ने कहा चुनाव में एकनाथ शिंदे ही सरकार का चेहरा था। शिवसेना सांसद नरेश मैस्के ने कहा बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में लागू हो, शिंदे के नेतृत्व में लड़ा गया चुनाव। सीएम पद पर शिवसेना के दावे से बीजेपी नाराज, विनय सहस्त्रबुद्धे बोले दबाव बनाने से कोई फायदा नहीं, बीजेपी झुकने वाली नहीं है। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने नाना पटोले के इस्तीफे से किया इनकार, कहा ये सिर्फ अफवाह, महायुति की जीत को बताया ईवीएम की जीत। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस की मान्यता रद्द कर सकता है चुनाव आयोग, सूत्रों की खबर विधानसभा में एक सीट भी ना मिलने पर हो सकता है एक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा के बाद मुंबई में फिर लगे सीएम योगी के पोस्टर, लिखा बटेंगे तो कटेंगे स्ट्राइक रेट 95%। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने याचिका वापस की अर्जी मंजूर की। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जताई उम्मीद, सरकार भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, रामवीर सिंह भदौड़ी की अध्यक्षता में हुई घोषणा पत्र समिति की बैठक। टीएमसी ने तीनों अनुशासनात्मक समिति का गठन किया, सौगत राय और सुखेंदु शेखर रॉय को किसी समिति में नहीं मिली जगह। पॉडर गावस्कर ट्रॉफी का पहला मुकाबला जीता भारत, ऑस्ट्रेलिया को 295 रन से हराया। आईपीएल ऑक्शन के दूसरे दिन लगा पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, शार्दुल ठाकुर और न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेक को झटका, ऑक्शन में रहे अनसोल्ड। कुणाल पांड्या को आरसीबी ने 5 करोड़ 75 लाख में खरीदा, पंजाब किंग्स ने मार्को यानसन को 7 करोड़ में अपने साथ जोड़ा, गुजरात ने वाशिंगटन सुंदर को 3 करोड़ 20 लाख में खरीदा।